चने की दाल की पूड़ी बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चने को 4-5 घंटे के लिए भिजा के रखी थी। इसे 2 दिन पानी से मैंने वॉश कर लिया है, धो ली हूँ, और अभी इसे मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को काट ली हूँ, 2 हरी मिर्च को काट ली हूँ, यहाँ पे जीरा ली हूँ, और यहाँ पर है गानी हींग। अब तड़का देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम तेल डालते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसके अंदर जीरा लहसुन और मर्चा डालते हैं, मिर्च जो हमने काटा है। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे अंदर। आपको पसंद होगा तो आप डाल सकते हैं, तो आप इसे भी कर सकते। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ। अब इसे हम चला देंगे। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, और इसे चला देंगे। चला देंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि ये पक जाएगा उबल कर। अब इसे हम ढक देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, इसे मैंने उबालने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 गिलास चावल लिया है, तो इसे मैंने धो लिया है। दूध के अंदर अब हम चावल को डालते हैं। यहाँ पर उबल रहा है, तो गैस का फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। अब इसे हम चला देते हैं ताकि नीचे जाकर इकट्ठा न हो जाए, जमा न हो जाए, इसलिए चावल इस तरह से हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। यहाँ पर चलिए देखते हैं चना उबल गया है कि नहीं। दाल हमारा एकदम इस तरह से पक चुका है, जो पानी था वो जगह की तरह से सूख चुका है। अब चलिए इसे थाली में निकाल लेते हैं। मैंने थाली में निकाल लिया है, अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम मिक्सर जार में पीसेंगे। थाली में से ठंडा हो चुका है, तो थाली में से मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्सर जार में ले ली हूँ, और इसे 2 बार में पीसूंगी। चलिए पीसना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम इसे मिक्सर जार में पीस लिए हैं, तो थोड़ा ये दरदरा ही रहना चाहिए, मतलब इस तरह से दरदरा नहीं, इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। देखिए मैंने पीस लिया है। खीर हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इसके अंदर हम इलायची डालते हैं, दरदरा कुटली इलायची को 3-4। उसके बाद इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। मैंने काजू बादाम को बारीक काट लिया है, देखिए अब इसके अंदर डालती हूँ, और इसे हम और अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। अब मीठा कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार डाल सकते हो। मैंने 1.5 कटोरी चीनी डाली हूँ, और अब इसे हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे। यहाँ पर लियो आटा, अब इसे हम गूंथ लेते हैं। आटा को हमने गूंथ लिया है एकदम नरम। इस तरह से करेंगे, लोई हम बना लेंगे, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तवा को गर्म होने के लिए रख दी हूँ, निकाल दी। इस तरह से हम कर लेंगे कटोरी की तरह। उसके बाद दाल को इसमें भरेंगे, अंगूठे से इस तरह से अंदर की तरफ दाल को दबाएंगे, और साइड साइड से इस तरह करेंगे। इस तरह से हम बंद करेंगे। अब इसे अंदर
अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से, देखिए अब इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। अब इसे हम तवा पे रखते हैं, तवा गर्म हो चुका था। आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, मैं छोटा बना रही हूँ। अब इसे दूसरी तरफ हम पलट देंगे। अब इसमें तेल लगाएंगे हम दूसरी तरफ पलट के, फिर तेल लगा लेंगे इस साइड भी। दोनों तरफ तेल हमने लगा लिया है। इसे थाली में निकाल लेंगे। दाल की पूड़ी और खीर बन चुका है। आप दाल की पूड़ी बड़ी भी बना सकते हो, मैंने छोटा छोटा बनाया है, आपको जैसा पसंद होगा बड़ा या छोटा, तो मैंने छोटा बनाया है। खीर और दाल की पूड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खीर के साथ अगर दाल की पूड़ी हो तो। और बनाना बहुत ही आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।